अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा गैजेट्स के बेस्ट डील के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को वही गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। तो चाहे वो स्पीकर हो, ईयरफोन हो, TWS वाला ईयरफोन हो, या फिटनेस ट्रैकर हो, या कोई गैजेट हो, मैं हर एक चीज़ की मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे उसकी बाय लिंक होगी या फिर मेरे वीडियो रिव्यू की लिंक होगी। तो इसलिए आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपको बाय करना है, कौन सा बाय नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयरफोन्स के बारे में। तो अगर आपको 500 रुपए के अंदर कोई ईयरफोन लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा बोट बेसहेड्स 152। ये जो ईयरफोन है दोस्तों लगभग 500 रुपए में आता था पहले, लेकिन अभी इस पे 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 400 रुपए में आपको मिल जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज में आपको मेटल का ईयरफोन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का वायर मिलेगा दोस्तों, और साथ ही साथ जो साउंड क्वालिटी है वो ऑसम है। अगर आपको 600 रुपए तक कोई या 700-800 रुपए तक कोई ईयरफोन खरीदना है तो मैं कहूंगा जस्ट बाई MI का ड्यूल ड्राइवर वाला ईयरफोन। ये ईयरफोन 800 रुपए में लॉन्च हुआ था, जबरदस्त साउंड क्वालिटी के साथ में आता है, जबरदस्त बेस भी मिलता है, जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी भी मिलता है। लेकिन अभी इस पे जो है डिस्काउंट चल रहा है एंड ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। तो अगर आपको बेस्ट वायर्ड ईयरफोन चाहिए, आई थिंक कि इससे अच्छा ऑप्शन आपको 600 रुपए में तो नहीं मिलने वाला। कोई 1000 रुपए तक कोई ईयरफोन बाय करना है तो मैं कहूंगा बोट का रॉकर्स 335 जबरदस्त है। बैटरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत कमाल की है, नेक बैंड वाला ईयरफोन है एंड बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ में आता है दोस्तों, और बेस तो लाजवाब है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो रॉकर्स 335 है ये दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक है फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी। इस वजह से शायद आप लोग इसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 1600 रुपए में लॉन्च हुआ था एंड सिर्फ और सिर्फ अभी 1000 रुपए में मिल रहा है, 600 का डिस्काउंट दोस्तों। जी हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, वो अवेलेबल है 1000 रुपए में, जो कि है बोट रॉकर्स 330। तो अगर आपको बाई करना है तो भाई 335 की जगह 330 बाई कर सकते हो, लेकिन अगर 335 मिल जाए तो वो बेस्ट बाई होगी। बट दोस्तों कई सारे लोग होंगे जो कि कहेंगे मुझे नेक बैंड नहीं चाहिए, मुझे ट्रू वायरलेस सिस्टम वाला ईयरफोन चाहिए, एंड उनके लिए मेरे पास जबरदस्त ऑफर है दोस्तों। मैंने रिव्यू किया था बोल्ट ऑडियो के प्रो बेस ईयरफोन को, एंड ये जो ईयरफोन है जब मैंने रिव्यू किया था तब वो 2000 रुपए की थी, एंड अभी ये ईयरफोन सिर्फ और सिर्फ 999, यानी कि 1000 रुपए में मिल रहा है। भाई 50% डिस्काउंट इन्होंने कर दिया है, एंड वो एक जबरदस्त क्वालिटी के साथ में आता है, जबरदस्त बिल्ड, जबरदस्त साउंड क्वालिटी, जबरदस्त कनेक्शन दोस्तों, हर एक चीज उसमें लाजवाब है। मैं कहूंगा दोस्तों 1000 रुपए के अंदर इससे बेहतरीन TWS वाला ईयरफोन आपको मिल ही नहीं सकता रियली में दोस्तों। मेरा रिव्यू देख लेना, मैंने 2000 रुपए में भी इसकी इतनी ज्यादा तारीफ की है, तो 1000 रुपए में तो भाई कमाल कहें ये ईयरफोन। अब दोस्तों अगर बात कर ले 2000 रुपए के अंदर कौन सा हमें ईयरफोन बाय करना चाहिए, तो मैं कहूंगा MI का नेकबैंड प्रो एक जबरदस्त ईयरफोन है। मैंने इसका प्रो वेरिएंट का तो रिव्यू नहीं किया, MI नेकबैंड का मैंने रिव्यू किया था जो कि सेम प्राइस में आता था, एंड उसमें भी दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑडियो मिल जाती थी, एंड जो प्रो वेरिएंट है वो उससे अपग्रेडेड ही वर्जन है। तो मैं कहूंगा इससे आपको बाय करना काफी सही रहेगा, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, 1800 या 1900 रुपए में ही लॉन्च हुआ था एंड अभी 1600 या 1700 रुपए में बिक रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए आप ये वाला नेक बैंड के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कोई 3000 रुपए तक ईयरफोन लेना होगा तो मैं कहूंगा रेडमी का ईयरबड्स 3 प्रो काफी अच्छी डील में आती है। ये 3000 रुपए में लॉन्च हुई थी एंड मैंने अभी अभी ही कुछ दिनों पहले इसका रिव्यू किया था, एंड दोस्तों अभी ये 500 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में मिल रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसे बाय करना होगा तो इसे बाय करने के लिए एक कूपन आएगा दोस्तों, वहां पे आपको टिक करना होगा, जैसे ही टिक करेंगे तब आपका ऑफ हो जाएगा, एंड उसके बाद दोस्तों 2500 रुपए में ये कमाल की साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कमाल की बैटरी, अप टू 30 आवर्स का बैटरी प्रोवाइड करता है दोस्तों, कनेक्शन लाजवाब है, यहां पे लो लेटेंसी मोड मिल जाता है जिसमें गेम के अंदर भी बहुत ज्यादा यहां पे लेटेंसी आपको नहीं मिलता है दोस्तों। कई लोग गेमर्स होते हैं जिन्हें वायर वाला 3.5 mm जैक वाला हेडफोन चाहिए होता है, एंड उनको मैं कहूंगा एक्सा का A900 काफी कमाल का है। इसका जब मैंने रिव्यू किया था तो 2500 रुपए में आया था ये, लेकिन अभी ये 2000 के अंदर मिल रहा है, यानी कि 1938 रुपए में मिल रहा है, एंड इस प्राइस रेंज में अगर आपको इनमें की एक एक फुट स्टेप सुननी है तो इससे बेहतरीन वायर्ड वाला हेडफोन दोस्तों ओवर द ईयर नहीं मिलने वाला है। ये कमाल का है दोस्तों, एक्सा का जो प्रोडक्ट्स होते हैं गेमिंग के लिए तो स्पेशली बहुत ही लाजवाब होते हैं। जस्ट चेक इट आउट और बाय इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
तो ईयरफोन का मैंने बहुत ही ज्यादा बात कर लिया एंड मैं ईयरफोन के बारे में बहुत ऊपर तक प्राइस तक जाऊंगा भी नहीं, बिकॉज आई नो दोस्तों बहुत लोग बाय नहीं करते हैं 5,000-6,000, बट जिनको बाय करना होता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि नथिंग का ईयर वन अवेलेबल है अगर 6,000 रुपए तक जाना है, 10,000 तक जाना है तो आपको एप्पल के एयरपॉड्स भी मिल जाएंगे, तो इस वजह से आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कौन सा बेटर है। लेकिन अगर बात कर ले ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको 2,000 के अंदर मिलेगा एंड वो जबरदस्त ब्लूटूथ स्पीकर है जिसका नाम है दोस्तों एमकेट बूमर FX प्लस। ये जो साउंड देता है दोस्तों कमाल का लाउड साउंड देता है विद जबरदस्त बेस, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो भी बहुत कम हो चुकी है। 2500 रुपए में पहले आता था, 2700 तक मैंने इसका प्राइस देखा है, लेकिन अभी ये 2000 के अंदर आपको मिल रहा है। बट हाँ दोस्तों, कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैं स्मार्ट स्पीकर ही क्यों ना बाय कर लूं, तब दोस्तों यहाँ पे Amazon का Echo Dot 3rd generation लाजवाब डिवाइस है दोस्तों, बहुत ही लाउड साउंड है एंड ये एक स्मार्ट स्पीकर है, तो Amazon के जरिए दोस्तों आप इससे बोल करके बातें कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ये आपकी बातें सुनती है, एक तरह से स्मार्ट असिस्टेंट है, हर काम आपका करती है। लेकिन अच्छी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में मिल रहा है एंड इसका जो लॉन्च प्राइस था लगभग 4500 रुपए के आसपास ये लॉन्च हुआ था एंड मुझे दोस्तों लगभग 1 से 1.5 साल पहले मिला था 3000 रुपए में, तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था एंड अभी ये सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में मिल रहा है, तो सोचो अगर अभी आप लोग लोगे तो कितना ज्यादा खुश हो जाओगे। तो इसके भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, Amazon Echo Dot 3rd generation आपका ब्लूटूथ स्पीकर का भी काम कर सकता है एंड साथ ही साथ स्मार्ट स्पीकर का भी काम कर सकता है, बस कौन इतनी है कि ब्लूटूथ स्पीकर में बैटरी होता है एंड ये हमेशा वायर्ड से रहेगा ऑन आपके करंट से, तो देख लेना। दोस्तों कुछ अलग अलग गैजेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि Xiaomi का Mi Band 5 2500 रुपए में लॉन्च हुआ था और अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 में मिल रहा है, तो भाई इस प्राइस रेंज में इसे बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। मैं कहूंगा अगर 3500 रुपए में कोई Mi Band 6 खरीदते हो तो इससे अच्छा दो Mi Band 5 खरीदो 4000 में और दो लोगों का फिटनेस जो है सही हो जाएगा। तो Mi Band 5 इज अ वेरी कैपेबल डिवाइस, 2000 रुपए में आई डोंट थिंक इससे बेटर फिटनेस ब्रांड कोई अवेलेबल होगा। दोस्तों एक लाइफ सेविंग गैजेट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो कि है Octer का Mini UPS, UPS यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड ये स्पेशली बनाया गया है आपके वाईफाई राउटर के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो राउटर है लाइट कटने की वजह से बंद हो जाता है, या इन्वर्टर भी होती है तो लाइट कटने की वजह से दोस्तों वो फ्लक्चुएट करता है और कनेक्शन चला जाता है, तो उससे बचाने के लिए आप ये UPS ले सकते हो। जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो इसकी प्राइसिंग 1500 रुपए के ऊपर थी, लेकिन अभी इसकी प्राइसिंग लगभग दोस्तों 1100 रुपए के आसपास है, तो इस प्राइस रेंज में मैं कहूंगा ये UPS बिल्कुल ही रिकमेंडेड है, बाय कर लेना, आपका जो राउटर है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। जो लोग क्रिएटर्स है दोस्तों उनको जरूरत पड़ता है माइक्रोफोन का एंड मैंने ऑलरेडी माउनो के 3 अलग अलग माइक्रोफोन का रिव्यू किया हुआ है। एक है दोस्तों माउनो का छोटा सा माइक्रोफोन जो कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 6 फीट का होता है एंड वो पहले आता था 600 रुपए में, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो 6 फीट का माइक्रोफोन है वो DSLR से भी सपोर्टेड होता था और आपके मोबाइल फोन से भी सपोर्टेड होता था, तो वो अभी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में। उसके अलावा दोस्तों माउनो का एक 20 फीट का माइक्रोफोन आता है यानी कि 6 मीटर का दोस्तों एंड वो जो माइक्रोफोन है पहले आता था लगभग 1000 रुपए में एंड वो अभी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। जी हाँ, 650 रुपए में एक बड़ा सा 20 फीट का माइक्रोफोन, तो अगर आपको जरूरत है तो गो एंड बाय इट। एंड फाइनल माइक्रोफोन दोस्तों माउनो की तरफ से, जो कि ये वाला माइक्रोफोन है जिससे मैं अपनी सारी के सारी वीडियोस बनाता हूँ, माउनो का AU04। ये माइक्रोफोन दोस्तों लाजवाब है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सारे किट के साथ में आता है, चाहे वो इसके ऊपर का कवर हो, चाहे इसका माइक्रोफोन हो, चाहे वो शॉक माउंट हो। इसके साथ आपको पॉप फिल्टर भी मिलता है जो कि मैं लगा नहीं रखा हूँ, स्टैंड भी मिलता है जिसे आप टेबल में क्लैंप कर सकते हैं एंड ये सब कुछ पूरा सेट दोस्तों 3000 रुपए के अंदर में अभी आपको मिल रहा है। जब मैंने बाय किया था तो 3500 में मिलता था, उससे पहले इसकी प्राइसिंग बढ़ा करके दोस्तों 4500 रुपए तक की गई थी, तो 3000 के अंदर ये अगर आप सेट लेते हैं तो आपके वीडियो क्रिएशन के लिए या पॉडकास्ट वगैरह के लिए काफी लाजवाब हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मेरे पास और कोई बहुत ज्यादा गैजेट्स नहीं है, आई थिंक इतना गैजेट्स बहुत ही ज्यादा काफी है, लेकिन अगर आपको कोई गैजेट बाय करना होगा, कोई कैटेगरी में बाय करना होगा, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा लिंक छोड़ देने की कमेंट में और आपको बता दूंगा कौन सा आपको बाय करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे लिंक से बाय करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो एफिलिएट लिंक होगी। तो आज का वीडियो शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय बाय।